आज का समय ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की में प्यार होना और इनका आपस में साथ रहना और उसके बाद संबंध बना लेना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। और ये नॉर्मल सी बात इसलिए हो गई है क्योंकि आज का समय जो है वह अट्रैक्शन पे ज़्यादा है, यानी कि स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और अट्रैक्शन होता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन होने के बाद मज़ा आता है, आपस में संबंध बनाने में मज़ा आता है, तरह तरह की क्रियाएं करने में मज़ा आता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य शरीर बना हुआ है, हमारे भीतर की जो वृत्तियां हैं, हमारा जो आचरण है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं क्योंकि जब इनमें अट्रैक्शन होने लगता है, स्त्री पुरुष में जब अट्रैक्शन होने लगता है, जब पुरुष स्त्री को देखता है, पुरुष स्त्री को देखता है, रोग उसी समय उत्पन्न हो जाता है। और इन दोनों का आकर्षण का मुख्य सिद्धांत यही होता है कि यदि इन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ है तो फिर यह एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके बाद संबंध बना लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं। क्योंकि आजकल में ऐसा देखा जाता है कि लोग आपस में प्यार तो करते हैं और फिर प्यार के नाम पर कुछ समय के बाद इनमें संबंध बन जाता है, ये आपस में सेक्स कर लेते हैं। तो फिर क्या ये चीज़ होना ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्यार है इस वजह से सेक्स हो गया, या फिर सेक्स की वजह से प्यार हुआ है। तो फिर इसका मतलब तो मैं यही कहूँगा कि आकर्षण की वजह से, हमारे मन में सुख की अनुभूति की वजह से लड़का लड़की में आकर्षण हुआ। अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि लड़का भी बहुत ज्ञानी है, लड़की भी बहुत ज्ञानी है। तो क्या होता है कि आकर्षण होने के बाद इनको सुख चाहिए होता है। पहला तो इनको आकर्षण में सुख मिल गया, अब इसके बाद यह चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा सुख मिले, कोई ऐसी क्रिया करे जिसमें और ज़्यादा सुख मिले। तो फिर क्रिया के नाम पर क्या होता है कि अब वह सेक्स करते हैं, सेक्स कर लेते हैं। तो फिर शुरुआत होती है इनकी प्यार से कि लड़के लड़की में आपस में आकर्षण हुआ, इसके बाद इनमें प्यार हुआ, फिर इसके बाद यह प्यार की जो अंतिम अवस्था है वह यह सेक्स तक ले जाते हैं। और फिर जब आपस में जब संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो फिर इनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो प्यार है वह अंतिम से अंतिम सेक्स तक ही जाता है, क्योंकि सबको सुख चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो। यदि इनको सुख मिले ही नहीं सेक्स में तो फिर ये सेक्स करेंगे ही नहीं। इसीलिए तो जो स्त्री पुरुष जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, इनमें अंतिम से अंतिम सुख पाने के लिए सेक्स ही एक छोटा सा विकल्प हो गया है। और सेक्स विकल्प होने की वजह से स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको सुख चाहिए। यदि हम जीवन में से सेक्स को हटा दें और उसके अलावा हम कहीं और सुख ढूंढने लग जाएं, तो फिर वहां पर हमारा सुखी होना और आनंद को लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के द्वारा ऐसा नियम बना दिया गया है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन होता है तो फिर प्यार बढ़ता है, और फिर प्यार बढ़ते 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 एंड में एक पोजिशन आती है, एंड में एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम सेक्स का नाम देते हैं। और फिर लड़का लड़की कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं इसलिए हम सेक्स कर रहे हैं। लेकिन सच में अगर प्यार को देखा जाए तो फिर जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर सेक्स ना बहुत बाद की बात होती है। सेक्स तो तब किया जाता है जब उनको गर्भाधान संस्कार करना होता है, जब उनको संतान उत्पन्न करनी होती है। तुमने शादी से पहले संबंध बना लिया, सेक्स कर लिया, ये तो सिर्फ वही बात थी कि तुम्हारा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था और तुमको सुख चाहिए था, तुमको जिस्म की भूख थी, इसलिए तुमने उस स्त्री के साथ या फिर उस पुरुष के साथ सेक्स कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा ले डाला। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि उनको ना लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है, उनको बस ये देखना होता है कि मेरा इसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है और इसका मेरे प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, और ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हम सुख पाना चाहते हैं और सुख पाने के लिए हमको सेक्स करना होगा। इसलिए वह प्यार की आड़ में सेक्स करते हैं क्योंकि सेक्स करने में मज़ा आता है। प्रकृति ने नियम बना रखा है इसलिए नियम तो फॉलो करना होगा। तो फिर स्त्री पुरुष जो हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जिसको वह प्यार का नाम देते हैं, और प्यार के नाम के बाद वह सेक्स करते हैं क्योंकि सेक्स करने में मज़ा आता है। और ऐसा कह सकते हैं कि जिसको सेक्स करना है वो सेक्स करे, जिसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है वो बना सकता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है उसकी दृष्टि थोड़ी अलग होती है। वह क्या चाहता है कि मैं कब तक इस 2-4 मिनट के सेक्स में मज़ा लेता रहूँगा, मुझको तो ऐसा मज़ा चाहिए जो हर समय बना रहे। और हर समय बना रहने के लिए उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि जब 2-4 वर्ष तक जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अश्लील चीज़ों से दूर रहता है, मन को पूरी पूरी तरह से शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करता है, तो फिर उसका जो वीर है वह उसको आनंद देने लग जाता है, फिर उसको सुख की अनुभूति होने लगती है।
और जैसे सेक्स करने पर सुख की अनुभूति होती है और वही सुख की अनुभूति उसको ब्रह्मचर्य का पालन करने पर होने लगती है। इसलिए दोनों के मूल में सुख ही है। ब्रह्मचारी जो है वह भी चाहता है कि उसके सुख मन में आनंद बना रहे, और जो लड़का लड़की जो प्यार करते हैं वह भी चाहते हैं कि हमें मज़ा आए, हमको आनंद आए। इसलिए लड़का लड़की तो आपस में सेक्स कर लेते हैं और उनको मज़ा आता है, क्योंकि सेक्स करने में मज़ा आता है। और लेकिन जो ब्रह्मचारी पुरुष होता है वह भी सुख चाहता है, लेकिन वह सेक्स से सुख नहीं चाहता है। वह चाहता है कि वह वीर की रक्षा करके, बहुत लंबे समय तक ओज की रक्षा करके वह अपने मन में हर्ष को उत्पन्न करे, अपने मन में आनंद को उत्पन्न करे। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो लड़का लड़की प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद जो सेक्स करते हैं, उनको सेक्स करने की मुख्य वजह यही है क्योंकि उनको सुख चाहिए। और जो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो आनंद उत्पन्न करना चाहता है, वह भी इसीलिए चाहता है ताकि उसके जीवन में सुख की अनुभूति हो, वह ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि लड़का लड़की यदि प्यार कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर यह प्रकृति का ही नियम है, क्योंकि प्रकृति ने सबको सुखी रखने के लिए सेक्स को छोड़ रखा है और ब्रह्मचर्य को छोड़ रखा है। सेक्स में भी मज़ा है और ब्रह्मचर्य में भी आनंद है। इसलिए जिनको निचले लेवल का सुख चाहिए होता है वह सेक्स में उतर जाते हैं, लेकिन जिनको हायर लेवल का सुख चाहिए होता है वह लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है तो फिर उनके जीवन में आनंद का अनुभव भी होने लगता है। इसलिए लड़का लड़की जो प्यार करके जो सेक्स करते हैं, इसमें मुझे लगता है कि बुराई तो है, क्योंकि शादी से पहले तुम सेक्स कर ले रहे हो और मज़ा लेने के लिए तुम सेक्स कर रहे हो, लेकिन ये एक तरीके से सुख चाहिए था लड़का लड़की को, इसलिए उन्होंने आपस में सेक्स कर लिया। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सुख चाहिए था तो फिर सुख पाने का विकल्प और भी था, लेकिन तुमने सेक्स को ही क्यों चुना, क्योंकि सेक्स मुझे लगता है सरल चीज़ हो गई है सेक्स से सुख पाना, लेकिन ब्रह्मचर्य से सुख पाना कठिन है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता है, लेकिन लड़का लड़की आपस में संबंध बना के जो सेक्स कर लेते हैं, ये चीज़ करना सरल है, यहाँ से सुख प्राप्त करना सरल है।